दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चावल के आटे का बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चटपटा नाश्ता, जिसको हम बनाएंगे चीज़ के साथ। आप इसको चावल के आटे की चीज़ बॉल्स भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका विद्यालय में आप सबका। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर तेल। तेल गर्म हो जाएगा, डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा सा तड़कने देंगे, जीरा तड़क जाएगा, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें डालेंगे पानी। पर मैं पहले 1 कप पानी डालूंगी। अब इसमें ये 3 चम्मच पानी और डालेंगे। यहीं पर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काला मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें सांभर मसाला, नमक जाएगा स्वाद के अनुसार, ये जाएगा इसमें 1/4 चम्मच ओरिगैनो, 1/4 चम्मच ही जाएगा इसमें पिज्जा सीजनिंग, 1 चम्मच भरकर डाल देंगे इसमें सफ़ेद तिल। मसाले इसमें हम बहुत कम यूज़ करेंगे और इन्हीं मसालों के साथ ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सभी को मिला देंगे और इस पानी में अच्छा सा एक उबाल आने देंगे। अगर आपके पास ओरिगैनो और पिज्जा सीजनिंग ना हो तो इसकी जगह पर आप 1 चम्मच भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकती हैं। उससे भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होता है। पानी में आ गया है बहुत अच्छा उबाल, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 कप भरकर चावल का आटा, इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको डो बनने तक अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, चावल के आटे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, ये एक डोसा बन गया है। हमने लिए हैं ये 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिनको हमने अच्छे से मैश कर लिया था। इनमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इनको भी डाल देंगे और आटे के साथ में अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आटे को हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है, अब हम इसको ढक देंगे और ढककर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा कि इसको हम हाथ से छू पाएं। आटा थोड़ा ठंडा हो चुका है, हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और इसको मसल कर इसका डोसा लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने आटा तैयार कर लिया है और इस तरीके से जब हम आटे को मसल कर लगाते हैं तो जो आलू के थोड़ी बहुत इसमें लम्स रह जाते हैं वो भी इसमें अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमने ली है ये थोड़ी सी मोजरेला चीज़, क्योंकि हम चीज़ से आज इस नाश्ते को बनाएंगे। इससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बच्चे इसको फटाफट से नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। हाथों पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा चिपके ना, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसमें से पोर्शन लेंगे, बहुत ही छोटा छोटा लेना है हमें, नींबू से भी थोड़ा छोटा ही लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा इसका हम नाश्ता नहीं बनाएंगे, पहले हाथों से गोल गोल करके इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। बीच में इसमें थोड़ा सा हम इस तरीके से गैप करेंगे और इसमें हम चीज़ को भर देंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको बंद करते हुए इसकी एक बॉल सी बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ईजिली ये बॉल्स बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से हम इसको गोल गोल करते हुए, ये देखिए एक बॉल हमारी तैयार हो गई है, आप इनको चीज़ बॉल भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है, इसको हम रख लेते हैं प्लेट के अंदर और बाकी बॉल्स भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सारी बॉल्स को हमने बनाकर रख लिया है, छोटी छोटी हमने बॉल्स बनाई है, नींबू से भी छोटी, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे। गैस पर तेल चढ़ा दिया है, तेल को हमें बहुत अच्छा गर्म करना है, उसी के बाद हम इसमें नाश्ते को डालेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक एक करके इसमें बॉल्स को डाल देंगे। एक बारी में जितने आए उतने आप इसमें डाल दीजिए, जितना बड़ा आपका पैन या कढ़ाई हो, और इनको धीरे धीरे सिकने देंगे, अभी इनको छेड़ेंगे नहीं। जब ये नीचे से सिक जाएगी उसके बाद हम इसको पलट देंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, तो इनको हम निकाल लेंगे और बाकी नाश्ते को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। देखिए सारे नाश्ते को हमने फ्राई कर लिया है, देखिए कितना सुंदर हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। सारे नाश्ते को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए वाह कितना टेस्टी, कितना क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अच्छी तरह से खाकर खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको एक बार जरूर बनाकर देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।